गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की नज़र से। अभी सुबह के बज रहे 8 और हम किचन में आ चुके हैं और आप हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। हम आ चुके हैं किचन में और आज हम बना रहे हैं पोहा। तो पोहा बनाने के लिए हमने पैन गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और बीच में हम आटा गूंथ रहे हैं, क्योंकि जोशवा तो रोटी ही खाएगा और माँ भी रोटी खाएंगी, इसलिए हम तब तक बीच में आटा गूंथ लेते हैं। तब तक हमारा पैन भी गरम हो जाएगा। पैन गरम होने के बाद हमने उसमें डाल दिया था प्याज और करी पत्ता, ग्रीन चिली और सरसों, ब्लैक सरसों का दाना डाल दिया था इसमें। फिर इसके बाद हमने पोहा को अच्छे से धो लिया था। धो के फिर इसको थोड़ा भुनने के लिए रख दिया था। इसमें हल्दी और नमक ऐड करने के बाद इसमें पोहा डाल दिया। हम इसे चूड़ा भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में लिखना। तो उसको डालने के बाद हम अब इसे अच्छे से चला दिए हैं और इसके बाद हम कढ़ाई में तब तक करेला का भुजिया भी छोंक दिए थे लंच के लिए, और हमारा करेला का भुजिया भी साथ साथ बन रहा है। उसके बाद हम जोशवा के लिए रोटी भी बना लिए। और फिर रोटी बनाने के बाद हमारा कद्दू कटा हुआ है और हम उसे छोंक देंगे। जोशवा तो बहुत ही गिना चुना चीज़ खाता है, इसीलिए उसके लिए थोड़ा परेशानी हो जाती है हमें। तो हमारा कद्दू भी छौंक आ गया, और कद्दू छौंकने के बाद फिर हम जोशवा के लिए खाना रेडी, नाश्ता रेडी है तो इसे हम खिलाने जाएंगे। और बीच में फिर हम क्या किए कि उसका जो पिन खजूर है उसको और मुनक्का को पानी में डाल दिए अच्छे से धो के भीगने के लिए। उसको शाम में हम रोज़ देते हैं, तो सुबह में उसे भिंगाते हैं और शाम को उसे हम अच्छे से उसको मैश करके और उसको छान के उसको दे देते हैं पीने के लिए। अभी हमारा हो गया जोशवा का नाश्ता रेडी, अभी हम उसे नाश्ता कराएंगे। और तब तक बीच में वो यहाँ विंडो के पास खेल रहा है। अभी से वो 15 अगस्त का तैयारी कर रहा है, फ्लैग लेके दिखा रहा बाहर। तो अब बस हम जोशवा को खिलाएंगे और हम खुद अपना नाश्ता करेंगे। जोशवा को खिलाने के बाद हमारा नाश्ता यहाँ लगा हुआ है, अभी हम खाएंगे, हम इसे एंजॉय करेंगे। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है पोहा, इसीलिए मैं आज बनाई। उन्होंने ही कहा था कि आज पोहा ही बनाओ। फिर नाश्ता करने के बाद जो भी काम है वो करेंगे। अभी हम नाश्ता कर चुके हैं और आ गया, बेडशीट चेंज करना था इसीलिए। फिर हमने बेडशीट चेंज किया, पिलो कवर लगाया, और फटाफट लगाने के बाद चादर को हटाया और अच्छे से उसे झाड़ लिया, और झाड़ने के बाद हमने बेडशीट को बिछा दिया। अच्छे से बिछ गया बेडशीट, और आज हम इसके बाद जाएंगे नहाने। और हम चले गए नहाने, नहा के निकले तो फिर हमने ये लकवे का क्रीम है ये हमने लगाया, जो फेस क्रीम है, और ये बहुत ही अच्छा क्रीम है। इस फेस में लगाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। बस हम ज़्यादा कुछ लगाते नहीं हैं फेस में, तो बस हम यही क्रीम लगाते हैं। तो हमने इसे लगाया, उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लिया हमने। फिर उसके बाद लंच का टाइम हो चुका था, खाना तो लगभग सब बन गया है। तो हस्बैंड अभी खाना मांग रहा है, तो हम बोले कि चलो कपड़ा थोड़ा सा है तो उसे तह कर लेते हैं, उसको अलमीरा में रख देते हैं, तब हम खाना दे देंगे। तो अभी कपड़ा को हम तह में लगा रहे हैं, उसके बाद उसको जगह पे रख देंगे। और जगह पे रखने के बाद फिर हम चले गए हस्बैंड के लिए खाना निकालने। खाना दे रहे हैं अपने हस्बैंड को हम, और आज का खाना लिखा हमारा राइस था, दाल था, हस्बैंड के लिए फिश फ्राई कर दिया था, कद्दू का भुजिया था और करेले का भुजिया था। बस अब हम जा रहे हैं, हम भी खाना खाए, जोशवा को भी खिलाए, और अपने हस्बैंड के साथ हम जा रहे हैं। उसे कहीं बाहर जाना था, कुछ काम था, तो बोला कि तुम लोग भी साथ में चलो, तो फिर हम भी साथ में जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग पे, और प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वाले हैं
का लग गया, हम का लग गया है वहाँ पे मेरे हस्बैंड को काम, और यहाँ बीच में डाब दिख गया तो हस्बैंड ने कहा चलो डाब पी लो, तो हम गाड़ी रोके यहाँ डाब पी लिए। फिर डाब पीने के बाद जोशुआ अभी अच्छे से अपनी नींद में सो रहे थे, अंधेरा अंधेरा हाँ अंधेरा रहने के बाद हम चले गए कालांगुट, कालांगुट पहुँच चुके हैं हम। और फिर हस्बैंड चला गया अपना काम करने, और यहाँ जोशुआ अपना टॉयस खरीदवा रहा है, और इसे ऐसे भी जहाँ भी देखे टॉयस वो खरीदवाएगा ही, तो हम इसे खरीद के टॉयस दिए। फिर उसके बाद हम लोग पेंजिम वापस आ गए थे, आने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, तो हम गए खाने रेस्टोरेंट में। यहाँ का स्नैक्स बहुत अच्छा होता है, स्पेशली यहाँ का मिर्ची पाव और भाजी पाव ये बहुत ही यहाँ का फेमस है, तो हम यहाँ आ गए। और फिर हमने ऑर्डर किया और हम मिर्ची लिए, पाव लिए, और यह मशरूम और आलू की भाजी है, ये गोवन भाजी है, तो फिर हमने इसे खाया और खाने में बहुत टेस्टी होता है, स्पेशली ये भाजी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और यहाँ का मिर्ची बहुत टेस्टी होता है, हमने इसे इंजॉय किया। और जोशुआ के लिए बस पाव ले लिए, जोशुआ तो ज़्यादा कुछ खाएगा नहीं, बस थोड़ा सा पाव लेके ही खा रहा है। और हमारा चाय भी आ गया था, तो फिर हम चाय पिए। प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।